हाई एवरी वन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अभी अभी कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी भारत कोकिल कोल लिमिटेड से वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिस पदों के लिए। टोटल 30 अप्रेंटिस पदों के लिए निकाली गई है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इसमें सिर्फ PDPT यानी पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग माइनिंग के कैंडिडेट, यानी कि जो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग करने के बाद एक साल का जो ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए 30 सीट का वैकेंसी निकाला गया है। और ये जो 30 सीट है वो सिर्फ BCCL कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों के लिए है, यानी कि जो इम्प्लॉय वार्ड है BCCL के, उन्हीं के लिए है। सबसे पहले मैं इम्प्लॉय वार्ड को स्पष्ट कर देता हूँ। इम्प्लॉय वार्ड का मतलब BCCL के अनुसार, यानी जो कंपनी ये है इसके अनुसार, इम्प्लॉय वार्ड जिनके माता या पिता BCCL में काम कर रहे हों, सिर्फ BCCL में, यानी कि अगर कोल इंडिया लिमिटेड के और अदर सब्सिडरी कंपनी में काम कर रहे हों तो फिर इसका लाभ नहीं ले सकते। जिनके माता या पिता BCCL में परमानेंट BCCL के अंडर में काम कर रहे हों वही इम्प्लॉय वार्ड के तौर पे चिन्हित किए जा रहे हैं BCCL के द्वारा। तो जो जिनका कोई भाई, चचा, भतीजा, कोई अलग रिश्ता वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, इसका लाभ नहीं ले सकता है। मैं आगे स्पष्ट करता हूँ कि ये जो 30 सीटें हैं वो झारखंड राज्य में उपस्थित चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो झारखंड से बाहर के कैंडिडेट हैं, जो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़े हो या सरकारी कॉलेज में पढ़े हो, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पढ़े हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रेफरेंस का बेसिस रखा गया, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रेनिंग है ये एक साल का ट्रेनिंग है, यानी PDPT माइनिंग जो है वो एक साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। और जहाँ तक मुझे पता है ये अंडरग्राउंड ट्रेनिंग है, यानी अंडरग्राउंड माइंस के लिए वैकेंसी निकाली गई है 30 सीट का। और इसको अप्लाई करने का एक प्रॉपर चैनल है। आप अगर एम्प्लॉय वार्ड हैं तो आपको एक प्रॉपर चैनल के जरिए अप्लाई करना है, और इसका एक प्रोसेस है जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है इस PDF में। अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर देंगे, और अगर आपने फेसबुक पेज पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म ही मैं पहले आपको बताता हूँ कैसे भरिएगा। सबसे पहले आवेदक का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में, ठीक है, यानी कि आपको इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों भाषा में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NATS का इनरोलमेंट ID भरना है, और NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन का जो डेट है NATS पोर्टल में वो भरना है। अगर आपने NATS में इनरोल नहीं किया है तो आपको NATS में इनरोल कर लेना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपने संस्थान का नाम और पता लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपने जो भी कॉलेज से डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग की है उसकी पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना है। कौन से वर्ष आपने पास किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सा कॉलेज है, इसके बाद आपका मदर का नाम, फादर का नाम, माता पिता का नाम, यानी कि जो भी काम कर रहे हो, अगर आपके माता काम कर रहे हैं BCCL में तो आपको उनका डिटेल डालना है, अगर आपके फादर काम कर रहे हैं तो आपको उनका डिटेल डालना है। कर्मी संख्या भी यहाँ पे लिखना है, साथ में कौन सा पोस्ट में है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, और किस जगह पे कार्यरत है वो भी आपको लिखना है। साथ ही आप अगर कोई कास्ट से आते हैं, यानी कि SC ST या OBC हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये घोषणा प्रमाण पत्र, इसमें ये लिखा गया है जो भी है, आवेदक का जो पिता है वो माता है वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, फिर आवेदक का हस्ताक्षर होगा, देन आवेदक का पिता या माता जो जिनका भी हस्ताक्षर है, यानी जिसका भी सिग्नेचर है, वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और आवेदक अपना यहाँ पे नाम लिखेगा। इसके बाद ये जो फॉर ऑफिशियल यूज़ है इसको छोड़ देना है। और ये लिखने के बाद, ये एप्लीकेशन आपको भर देने के बाद, इसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट इनक्लोज करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इनक्लोज करना है। सबसे पहले अगर आप कास्ट रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा SC ST OBC। OBC इसमें सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को इंक्लूड किया गया है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वही इसका लाभ ले सकते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पे फोटो लगाना है वो अटेस्टेड होना चाहिए। अटेस्टेड आप उन्हीं से करवाएंगे जो कोलियरी में आपके मदर या फादर काम करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं उनके चार्ज में जो भी हैं वो मैनेजर या वो इंचार्ज या वो इंजीनियर वहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद आपका जो सर्विस बुक है, आपके फादर मदर का जो भी सर्विस बुक है, उस सर्विस बुक में आपका नाम होना चाहिए। उस सर्विस बुक का यहाँ पे जेरेक्स, जिस जगह पे नाम है उस पेज का जेरेक्स आपको यहाँ अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद आपका
टीसी सीएलसी अगर आप लगा सकते हैं अभी प्रमाणित तो वो लगाएंगे, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, साथ ही साथ मैट्रिक का रिजल्ट भी लगाना पड़ेगा, और डिप्लोमा का मार्कशीट और डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट ये भी आपको इनक्लोज करना पड़ेगा। ये सब जेरेक्स में इनक्लोज करना है, ओरिजिनल आपको वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना है। आधार कार्ड का जेरेक्स में आपको अटेस्टेड करवाना है और वो भी आपको रखना है, साथ ही साथ आपका जो ईमेल जो आपका एनएटीएस का एनरोलमेंट आईडी है उसका भी आपको जेरेक्स लगाना पड़ेगा। और बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे कोलकाता इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बीसीसीएल ईस्टर्न रीजन के अंदर में आता है और ईस्टर्न रीजन में बीओपीटी यानी कोलकाता बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोलकाता इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। आपको या तो यहाँ से मेडिकल फिटनेस लेना है या फिर आप कहीं से भी कोई भी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं लोकल डॉक्टर से। इतना सब कुछ लेने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको अटैच करना है और जिसमें अभी प्रमाणित यानी कि अटेस्टेड बोला गया है उसमें आपको अटेस्टेड करना है करवाना है और प्रॉपर चैनल के जरिए आपको एप्लीकेशन करना है। मैं आपको प्रॉपर चैनल के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करने के बाद इसमें जैसा भरा गया वो भरने के बाद आपके फादर या मदर जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ के जो मैनेजर होंगे उनसे उनको साइन करवाना है, क्रॉस वेरीफाई करवाना है। मैनेजर वहाँ साइन करेंगे फिर वो एरिया ऑफिस में जाएगा, पीओ के पास पीओ ऑफिस में जाएगा, देन वो एरिया ऑफिस में जाएगा यानी जीएम ऑफिस में जाएगा और जीएम ऑफिस के बाद वो प्रॉपर चैनल के जरिए यानी जीएम का डिस्पैच से बाहर डिस्पैच वो एचआरडी ऑफिस में जाएगा। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा मैं इसके बारे में पहले बता दूँ आपको कि झारखंड राज्य में जो भी सरकारी पॉलिटेक्निक उपस्थित है अगर आप वहाँ के कैंडिडेट हैं, वहाँ से अगर आप पास आउट हुए हैं और आप बीसीसीएल के एम्प्लॉय वार्ड है अगर इस फॉर्म को आप भरते हैं तो पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन अगर उसके बाद कोई सीटें बचती है तो झारखंड राज्य में ही उपस्थित जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद भी अगर कुछ सीटें बचती है तो झारखंड राज्य कि जो सभी सेल्फ पॉलिटेक्निक है जो सभी संस्थान उसमें से अगर कोई कैंडिडेट है उसके लिए सीट बचती है। अगर इसके बाद भी सीट बचती है झारखंड राज्य में सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर उन कैंडिडेट का फिल होने के बाद भी अगर सीटें बचती है तो झारखंड से बाहर के जो स्टेट हैं फॉर एग्जांपल उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अगर वहाँ से पढ़े हैं आप तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ज़्यादातर इसमें 30 सीट रखा गया है तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड राज्य के जो सरकारी पॉलिटेक्निक के कॉलेज के छात्र हैं उनको और झारखंड राज्य में जो भी प्राइवेट कॉलेजेस के छात्र हैं उनको ये दोनों तक आते आते कोटा फुल हो जाता है नॉर्मली। तो जो झारखंड राज्य से बाहर के कैंडिडेट हैं अप्लाई कर दीजिएगा आप, लेकिन मुझे पर्सनली यही लगता नहीं है कि इतना सीट बच पाएगा। आपको एप्लीकेशन डेट मैं बता देता हूँ, एप्लीकेशन आपको अभी करना है यानी कि 15 फरवरी को ये नोटिस निकाला गया था तो 15 मार्च 2021 से पहले आपको ये सारा प्रोसेस ख़त्म कर लेना है यानी कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के इसको साथ जो भी डॉक्यूमेंट है इसको इनक्लोज करते हुए अपने जो भी मैनेजर है देन एरिया है उससे प्रॉपर चैनल से आपको डिस्पैच करवाना है और जो प्रॉपर चैनल है वो आवेदन जो है वो 16 फरवरी 2021 10 बजे से मार्च 2021 शाम 5 बजे तक महाप्रबंधक के कार्यालय यानी जगजीवन नगर कल्याण भवन बीसीसीएल जो एचआरडी ऑफिस बोलते हैं हम लोग वहाँ पहुँचना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी हर छोटी मोटी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए कोल इंडिया रिलेटेड, कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड, मेटल माइनिंग से रिलेटेड, पावर सेक्टर से रिलेटेड, हर छोटी बड़ी खबरों से, वैकेंसी से, अप्रेंटिस वाले वैकेंसी से, इन चीज़ों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।